लेकिन ये क्या हो गया? पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का गाज गिर गया है और अमेरिका ने कहा है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जानेंगे अमेरिका क्यों पाकिस्तान से नाराज हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत से मांग रहा है 60 लाख मच्छरदानी, जबकि पीएम मोदी की एक बात से खफा भी है। क्या भारत को मदद करनी चाहिए और कौन सी बात से खफा है पाकिस्तान? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है भारत पाकिस्तान में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी हाल फिलहाल में जब पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा गया था अमेरिका, तो बड़ा स्वागत हुआ। नवंबर में रिटायर होने वाला बाजवा रिटायरमेंट से पहले अमेरिका पहुंचा। एक हफ्ते तक अमेरिका के दौरे पर रहा। यहाँ अमेरिकी सरकार के टॉप ऑफिशियल से मिला भी। ये दौरा ऐसा लगा जैसे अमेरिका और पाकिस्तान के बीच नजदीकियाँ काफी बढ़ा रहा है। बात भी सही है क्योंकि जनरल बाजवा काफी समय बाद अमेरिका के दौरे पर था। उनका ये दौरा कई बार बना योजना, लेकिन कई बार अमेरिका ने टाल दिया, कई बार खुद पाकिस्तान ने टाल दिया, कई बार महामारी ने टाल दिया। हालांकि यूके के लिए भी कई बार बाजवा पहुंचा और यूके ने भी स्वागत किया, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी ईरान, अरब, मध्य एशिया, रूस और चीन तक जमीन है, तो इसका फायदा उठाना चाहते हैं। अब पाकिस्तानी सेना को हमेशा से ही माना जाता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का समर्थन करती है। इसका पाकिस्तान को फायदा हुआ तो नुकसान भी हुआ। 1980 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत संघ को हटाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों का मदद दिया गया। अभी जब खुद में ही स्थितियां खराब होने लगी, तब यही आतंकवाद पाकिस्तान के लिए खराब बनता चला गया। अब यहाँ अमेरिका चाहे जिस भी तरीके से, हो सकता है कि चीन को रास्ते से हटाने के लिए भारत उस तरीके से भाव नहीं दे रहा है, इस कारण के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा हो, लेकिन धीरे धीरे उसे असर दिखने लगा है। असर ये दिखने लगा है कि किस तरीके से पाकिस्तान अपने रवैये से कभी बदल नहीं सकता है। आपको बता दें, जिस तरीके से पाकिस्तान में बाढ़ आया, दुनिया भर से मदद मिली पाकिस्तान को और कटोरा फैलाना सचमुच फायदेमंद रहा। बाजवा ने इस बाढ़ के लिए खुद एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में बाजवा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने दोस्तों से, सभी से मांगा था कि आप पाकिस्तान को मदद करो, पाकिस्तान को फिर से खड़ा होने में 10 साल लग जाएंगे। और इस मांग का असर भी देखने को मिला था। दुनिया के कई देशों ने मदद की थी और जिन देशों ने मदद की थी उनमें फ्रांस और जापान जैसे देश भी हैं, जिन्होंने अपने कर्जे को माफ कर दिया था कि ठीक है, हम इस कर्जे को अब वापस नहीं लेंगे। इसके अलावा कई देशों ने इन्हें मानवीय सहायता दी, तो कई देशों ने इन्हें पैसे भी दिए। अब स्थिति बाढ़ के बाद भी और भयानक होती जा रही है। धीरे धीरे यहाँ पर डेंगू और मलेरिया का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे ये प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान घुटनों पे आ गया है। पाकिस्तान के व्यापारियों ने बताया पाकिस्तान को कि आप भारत के साथ व्यापार चालू कर दो। तब अकड़ कर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने ये कहा था कि ये समय ऐसा नहीं है और हम अभी व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। लेकिन अब वही पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत से 60 लाख मच्छरदानी की खरीद की मंजूरी दे दी है, ताकि ये जो जल से पैदा होने वाले डेंगू और मलेरिया जैसे बीमारियां हैं उनसे बचा जा सके। वैसे आपको बता दें, एक तिहाई पाकिस्तान पानी की चपेट में था मूसलाधार बारिश की वजह से, और करीब 3.5 करोड़ लोगों को यहां से हटना पड़ा। 1700 से अधिक लोगों की मौतें होंगी, और अब तो कहा जाता है कि 27 लाख मामले होंगे मलेरिया के जो 2023 तक आएंगे, और इसमें बच्चे हो, बूढ़े हो या बड़े हो, सभी प्रभावित होने वाले हैं। अब आर्टिकल 370 के हटने के बाद तो दोनों देशों के बीच व्यापार बंद था, पर अब भारत से 60 लाख मच्छरदानियों की मांग कर रहा है पाकिस्तान। अब भारत ये देता है या नहीं देता है, वो तो अब देखने को मिलेगा बाद में ही। लेकिन आपको बता दें, भारत देगा इन मच्छरदानियों को,
ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि भारत अगर ऐसा नहीं करता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अपने इमेज में एक धक्का लगेगा कि भारत मदद नहीं करता है। वहीं जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था तो पाकिस्तान भारत से ये मांग रहा है, वहीं पीएम मोदी की एक बात से खफा भी है। दरअसल हुआ क्या था, पीएम मोदी गुजरात में एक जनसभा कर रहे थे। इस जनसभा में पीएम मोदी ने ये कहा कि कश्मीर मुद्दे का समाधान किया गया है, और यही लाइन पकड़ के पाकिस्तान ने ये कहना शुरू कर दिया, ये तो गलत बोल रहा है, भारत कश्मीर मुद्दे का कोई समाधान नहीं हुआ है। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय पीएम मोदी की इस टिप्पणी को साफ तौर पर खारिज कर रहा है, कह रहा है ये गलत है, भ्रामक है, जम्मू कश्मीर की हकीकत से खुद पीएम मोदी वाकिफ नहीं है कि अभी यहाँ पर एक तरफा बयान दे दिया है, जबकि कश्मीर को लेकर यूएन वगैरह सब जगह में बातचीत चल रही है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने जिस चीज को कहा उस चीज को शायद पाकिस्तान समझ नहीं पाया कि सचमुच अब कश्मीर का मामला खत्म हो चुका है। ये बात तो बाजवा भी कह रहा है, बाजवा ने भी अब कश्मीर मामले को उठाना बंद कर दिया है और अपने देश अपनी सेना को ये बताना शुरू कर दिया है कि पूरी दुनिया बदल चुकी है, अगर हम नहीं बदले तो बहुत बुरा परिणाम होगा। इस वक्त बाजवा को माना जाता है कि दुनिया की विदेश नीति में थोड़ा जानकारी रखने वाला, वो अगर ये बातें कह रहा है तो उसने बदलते हुए अमेरिका को भी देखा है, जो किस तरीके से पाकिस्तान से बदल गया, बाकी दुनिया को भी देख रहा है, ये पाकिस्तान को सीख लेनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का रवैया थोड़ी बदलता है, अब अचानक से ऐसा हो गया कि नेड प्राइस जो अमेरिकी प्रवक्ता है उन्हें दुनिया के सामने आकर साफ साफ पाकिस्तान की आलोचना करना पड़ गया। पाकिस्तान की आलोचना, जिसकी हाल फिलहाल में ये वही नेड प्राइस हैं जिन्होंने ये कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों उसके लिए जरूरी हैं, दोनों से उसके अहम रिश्ते हैं और एकदम खास रिश्तों वाला तौर तरीका दिखाया था। अब आपको बता दें गुस्सा क्यों हुआ है और क्यों कह दिया कि ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। पाकिस्तान की एक ऐसी करतूत आ गई है सामने जिसे सुनने के बाद अमेरिका आग बबूला हो गया है। दरअसल पाकिस्तान में आए भीषण बाढ़ से बचाव के लिए जैसा हमने कहा कि दुनिया ने मदद भेजी तो अमेरिका ने राहत फंड भेजी, लेकिन पाकिस्तानी नेताओं और अधिकारियों ने इसमें भी लूट खसोट मचा दी और ये लूट खसोट का पता चल गया अमेरिका को। अब नेड प्राइस ने सामने आकर क्लास लगा दी और कहा कि इस तरह के भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ये बहुत गलत हरकत है, ये देश क्या हम किसी भी देश से बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक तो ये त्रासदी झेल रहे देश है, हम मदद करते हैं, ऊपर से लोग पैसे खा जाते हैं। अब बात क्या है, बात ये है इन्होंने पैसे तो दिए 460 करोड़ रुपए दिए, लेकिन इसके साथ एक कमेटी बिठा दी कि ये पैसा हमारा कहाँ जाता है उसको जरा देखो, और यहीं से पाकिस्तान पकड़ा गया। अमेरिका ने जैसे ही ये ट्रैकिंग सिस्टम बनाया, इस ट्रैकिंग सिस्टम में बता दिया कि पैसे जरूरतमंदों के पास नहीं पहुँचे हैं, बल्कि नेता और अधिकारी खा चुके हैं। वैसे अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी सीख है कि गलत जगह गलत भरोसा कर लिया है, जिसका जड़ ही खराब है वो ऐसा ही होगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।